आप देख रहे हैं भारत वाइस, मैं हूं अबुल नसर इकबाल। अखिल गोगोई को सभी आरोपों से बरी कर दिया है एनआईए कोर्ट ने। अखिल गोगोई वही व्यक्ति हैं जिन पर आरोप लगे थे, यूएपीए के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी असम में, और वो चेहरा थे सीए एनआरसी प्रोटेस्ट का असम में। वो जेल में रहते हुए ही चुनाव लड़े थे, जीते थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया था और एक शानदार जीत दर्ज की थी जेल में रहते हुए। जेल में ही उन्होंने आरोप भी लगाए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। उन्होंने कहा था कि उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आरएसएस में शामिल हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो तो शायद ज़्यादा जल्दी और आसानी से ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने तमाम वो प्रलोभन ठुकरा दिए थे। तो इस तरह के तमाम उन्होंने आरोप भी लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। तो उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है, एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने ये कहते हुए उनको बरी किया कि उन पर लगाए गए जो तमाम आरोप थे वो बेबुनियाद थे और यूएपीए के तहत वो बिल्कुल नहीं आते हैं। तो एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां की सरकार के लिए, असम की सरकार के लिए, क्योंकि काफी आलोचना इस बात को लेकर सरकारों की हो रही है कि इस तरह के मामलों में जहां पर थोड़ी सी भी असहमति होती है, थोड़ी सी भी आलोचना होती है, वहां पर इस तरह के यूएपीए जैसे कानून लगा दिए जाते हैं उन लोगों पर और उनको जेलों में डाल दिया जाता है। तो देश भर में प्रोटेस्ट हुए थे सीए एनआरसी को लेकर, एक प्रोटेस्ट जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, दिल्ली के शाहीन बाग पर प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर भी काफ़ी एक माहौल बनाया गया था पूरे देश में और ख़ास तौर से मीडिया का उसमें रोल था। मीडिया ने जिस तरह का माहौल बनाया था, मानो कि जितने भी लोग शाहीन बाग में बैठे हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं, जितने भी लोग सीएएनआरसी का विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं या वो गद्दार हैं, इस तरह का माहौल मीडिया के द्वारा बनाया गया था। तो आज और बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी उसके बाद, दिल्ली दंगों के बाद जिस तरह से यूएपीए का इस्तेमाल पुलिस ने किया था उसकी काफ़ी आलोचना हुई थी, और अभी तीन लोगों को उसमें दिल्ली दंगे में जो आरोपी बनाए गए थे उनको उनकी रिहाई हो पाई, उनको जमानत मिली थी, जिसमें देवांगना और नताशा नरवाल थी, आसिफ इकबाल तन्हा थे। तो ये एक बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। दोस्तों, जब से सरकार आई है केंद्र में तब से ये आरोप लगते रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार पर कि वो बोलने की आज़ादी को कुचलना चाहती है लोगों की, और जहाँ जहाँ पर भी असहमति के स्वर उभरते हैं सरकार के खिलाफ उनको दबाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का पूरा तंत्र लग जाता है। तो इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और इन आरोपों को और हवा मिली जब इस तरह की कार्रवाइयां उन लोगों पर हुई, उन पर यूएपीए लगाया गया, जैसे अखिल गोगोई का ही मैंने मिसाल आपको दी, या नताशा नरवाल, या दिल्ली दंगों के दौरान जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया था पुलिस ने उन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई थी। अभी भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जेलों में बंद हैं। तो इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और इन आरोपों को हवा मिलती है इस तरह की कार्रवाइयों से। तो एक खबर जो ये हमने आपके साथ अभी शेयर की है कि अखिल गोगोई जो कि चेहरा थे सीएएनआरसी प्रोटेस्ट का, उनको रिहा कर दिया है, उनको तमाम आरोपों से बरी कर दिया गया है। बहुत सारे रिटायर्ड जजेस हैं, बहुत सारे संविधान के जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, उन्होंने भी सरकार को निशाने पर लिया था इस बात को लेकर कि बोलने की आज़ादी पर कैसे कोई अंकुश लगा सकता है इतने बड़े लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में। हाई कोर्ट ने भी जब अभी दिल्ली दंगों के मामले में इन आरोपियों को जमानत दी थी, देवांगना कलिता को या नताशा नरवाल को, आसिफ बाल तन्हा को, तब हाई कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की थी कि आज़ादी है सभी को अपनी बात रखने की और प्रोटेस्ट करने की, असहमति जताने की आज़ादी है। तो कोर्ट ने भी ये कहा था, लेकिन शायद सरकार इन बातों को अनसुना कर देती है और सरकार को जो कार्रवाई करनी होती है वो सरकार करती है, सरकार का अपना एक स्टाइल है काम करने का। और आज जिस तरह से ये कार्रवाई की है एनआईए कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि जो आरोप थे वो बेबुनियाद थे और यूएपीए के तहत वो आरोप नहीं आते हैं, और तमाम आरोपों से बरी कर दिया है अखिल गोगोई को। तो ये एक बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए।